नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। सिद्धगांवा प्रखंड के नंदो निवासी उषा देवी की दुकान में असामाजिक तत्वों के लोगों ने लगाई आग, दुकान जलकर राख। बताया जाता है कि सिद्धगांवा प्रखंड के तेहरों पंचायत के नंदू डी निवासी उषा देवी अपने परिवार के साथ राउत डी मोड़ दुकान चलाकर गुजर बसर कर रही थी कि अचानक रविवार की रात्रि असामाजिक तत्वों के लोगों ने उषा देवी की दुकान में आग लगा दी, जिससे दुकान में रखे सभी सामान, दुकान का काउंटर, ड्राम, कुर्सी, चौकी और अन्य प्रकार के सामान जलकर राख हो गए हैं, जिससे उषा देवी को लगभग 30,000 रुपए का नुकसान हो गया। वे उषा देवी से बात करने पर बताई कि कल रात लगभग 9 बजे के लगभग दुकान बढ़ाकर अपने घर चली गई थी, तभी असामाजिक तत्वों के लोग आए और दुकान में आग लगाकर चले गए। सुबह लगभग 2 बजे किसी ने उनको सूचना दी कि आपके दुकान में आग लग गई है, तभी आकर आग को बुझाया गया। तब तक जितने भी सामान थे जलकर राख हो गए। वही उषा देवी बताती है कि किसी से कर्ज पर लेकर अपने दुकान का सामान खरीदे थे, जिससे सभी परिवार अपना जीवन अपना दुकान के सहारे जी रहे थे। उषा देवी बताती हैं कि इससे पहले भी जब वो अपने दुकान में सोया करती थी, तभी असामाजिक तत्व के लोग बाहर से दरवाज़ा की कुंडी को बंद कर दिया करते थे। फिर किसी ने सुबह में दरवाज़ा की कुंडी को बाहर से खोला था। वही उषा देवी से पूछने पर कि किसी पर आपको शक है तो बताए कि किसी को देखे ही नहीं है, कैसे बताएं। वही सिद्धगांवा प्रशासन को ऐसा करने असामाजिक तत्वों के खिलाफ आवेदन दे दिया गया है। वही उषा ने असामाजिक तत्वों के लोगों पर कानूनी कार्रवाई की मांग की है। खबर लिखने तक सिद्धगांवा थाना के लोग नहीं पहुंचे थे। वही उषा देवी ने आग से हुए नुकसान को भरपाई की मांग की है, जिससे उनके और परिवार का भरण पोषण हो सके। हम लोग इधर 9 बजे इधर से गए हैं, इधर 9 बजे से गए हैं और बाद में 2 बजे इधर आग लग गया। कितना का सामान लगभग जला है आपका? मेरा कम से कम 40,000 से ऊपर सामान, पूरा जितना थारी बर्तन जितना काउंटर काउंटर देखिए, 2 गो ड्राम था, बड़ा बड़ा ड्राम, पानी भरने वाला ड्राम, सब जल गया। चौकी, पानी चौकी देखिए, आधा चौकी जल गया, सब चौकी, सब इधर टेबल कुर्सी सब जितना लगा सब जल गया सर। आपको किसी पर सब बुझाता है? आपको कोई परेशान करता है यहाँ अगल बगल में क्या? देखिए सर, 6 महीना पहले मेरा केवाड़ी गेट लगा दिया था दुकान वाला, हम यही सोते थे तो अंदर से गेट लगा दिया सर। मतलब किस पर सर कुछ बुझाता है, कोई परेशान मतलब यहाँ पर पहले? सर देखिए सर, अब नहीं देखे तो कैसा बताए, देखे नहीं है सर। आप नहीं देखे हैं? नहीं देखे हैं। अब यही है कि कौन ऐसे आदमी लगा दिया रात में, जैसे दुकान में कोई हल्ला था, कोई देखे थे उसको क्या? अगल बगल में CCTV कैमरा लगा हुआ है? अगल बगल इधर नहीं है क्या? मतलब आवेदन आप ले जा करके थाना में दिए हैं? आवेदन दिए हैं। क्या बोले थाना प्रभारी? थाना बोले हैं कि जाइए, बड़ा बाबू जा रहे हैं। अच्छा अच्छा, बोले आए थे इधर? अभी इधर नहीं आए हैं। नहीं आए हैं? नहीं आए हैं। अच्छा अच्छा, तो मतलब क्या मांग करना चाहते हैं? हम लोग आए तो उन लोग का कुछ दिमाग ही नहीं चल रहा, ऐसे ही बैठे खरबस आ गए, लोग के लग रहा है क्या करे क्या नहीं करे। वीडियो साहब को आवेदन ले जा दिए हैं? क्या मालूम, वही दिए हैं। अच्छा अच्छा, क्या मांग करना चाहते हैं, कुछ मांग है आपका? सर अब देखिए, हम लोग गरीब आदमी हैं सर, तो हम लोग का मदद कीजिए, कितने नुकसान चल गया मेरा सामान। देखिए काउंटर कितना था, लगता है कि 20-15 हज़ार का काउंटर बना था, चौकी बना था, टेबल कुर्सी, ड्राम, जो वो बड़ा बड़ा ड्राम, पानी भरने वाला ड्राम, सब कितना सामान मेरा था सब जल गया। पैसा जो मतलब आप अपना पैसा तक पैसा कर्जा लेके सूद के पैसा लेके किए हैं सर, कर्ज पर लिए कर्जा लेके किए हैं। अच्छा, कितना पैसा कर्जा लिए थे? कर्जा लिए हैं 70,000 लिए थे। 70,000 लिए थे। क्या मतलब क्या मांग करना चाहते हैं ऊपर के पदाधिकारी के, मतलब जो इस तरह का काम किया है? तो यही कहते हैं कि हम लोग का सहारा दीजिए, जो सब सामान जल गया वो सब सामान का, मतलब 36 का मांग कर। वी टाइम न्यूज़ के लिए सद्गावा से कौशल पांडे की रिपोर्ट।